हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो गाइज, मेरे को पता है कि काफ़ी दिन बाद मेरे चैनल पे वीडियो आ रही है और आप लोगों को भी काफ़ी बेकार लग रहा होगा जब से वीडियो नहीं आ रही। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी मेरे को कहते कि इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही। एक्चुअली मेरे 12th के एग्ज़ाम आ गए थे तो इस बारी मैंने वीडियो नहीं डाली, लेकिन अब मैं इस पर कंसिस्टेंट रहूँगा, बिल्कुल ही रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करा करूँगा। और गाइज, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि मेरे को ना व्लॉगिंग अब थोड़ी बोरिंग सी लगने लगी है, क्योंकि सब लोग व्लॉगिंग के कंटेंट डाल रहे हैं। अब मैं थोड़ा ना इसको थोड़ा चेंज करूँगा, थोड़ा जो फेमस पीपल है ना, जो आप अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं, जो है उनकी बायोग्राफीज मैं आपको बताया करूँगा। तो गाइज, अब मैं इस वीडियो में आपको अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी बताने वाला हूँ। उन्होंने कैसे कितना अच्छा काम किया, क्या क्या उन्होंने, कैसे वो अमेरिका कंट्री के 16th प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने क्या बैन करा, क्या उन्होंने अमेरिका में अच्छे काम करे। ठीक है, सो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जो अब्राहम लिंकन है उनका जन्म अमेरिका के छोटे से विलेज में हुआ था 12 फरवरी 1809 को। और गाइज, जब वो पैदा हुए थे काफ़ी पुअर फैमिली में पैदा हुए थे। उनके जो फादर थे वो फार्मर थे, किसान थे, और उनके बाद वो उनका घर भी उनसे छीन जाता है किसी प्रॉपर्टी केस के मारी। तो गाइज, जो अब्राहम लिंकन थे वो उनके पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, उनके फादर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो आगे पढ़े। तो आगे कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको जब वो 6 साल के होते हैं, उनके पिता उनको स्कूल में डलवा देते हैं 6 साल के जब वो थे। और उसके 6 साल के साथ साथ वो जब वो इतने छोटे थे, 6 साल के थे, 6 साल की उम्र में वो अपने फादर की हेल्प भी करने लग गए थे, जो फार्मिंग थी उसमें हेल्प करने लगे थे, ताकि थोड़ी बहुत उनसे उनकी भी अर्निंग होए और अपने फादर की हेल्प करवा चुके, ताकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था इस वजह से। और जब वो 9 साल के होते तो 9 साल की एज में उनकी मदर की डेथ हो जाती है, और उनकी मदर की डेथ होने के बाद उनको काफ़ी डिप्रेशन हो जाता है काफ़ी, और वो काफ़ी छोटे होते, 9 साल के होते, आप समझ ही सकते हो। और जब उनकी मदर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो पूरा घर का काम वगैरह होता है वो उनकी सिस्टर संभालती है, जो कि उनसे बड़ी थी। तो गाइस, ऐसे ही कुछ होता है, वो अपना ऐसे पढ़ाई पूरी करते हैं, उसके बाद उनको लॉ करने का मन था तो वो लॉ करते हैं। और लॉ करने से पहले वो एक किसी गाँव में पोस्टमैन लगे थे, पोस्टमैन की जॉब भी उनके पास थी। और वो उसके साथ साथ ना देख रहे थे कि सोसाइटी में काफ़ी बुरे काम हो रहे हैं, और जो दास प्रथा है वो भी काफ़ी बढ़ रही है, लोगों को दास बनाया जा रहा है, और उनसे उनकी बिना इच्छा के वो काम करना पड़ रहा है, लोग उनसे काम करवा रहे हैं, तो वो उसको बंद करवाना चाह रहे थे। तो इस मारी वो पॉलिटिक्स में भी आना चाह रहे थे। तो पॉलिटिक्स में उन्होंने कई बारी विधायक के भी चुनाव लड़े, इलेक्शन लड़े, तो लेकिन वो उसमें हार गए, लेकिन नहीं जीत पाए। तो उन्होंने पोस्टमैन की जॉब के बाद अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करी। लॉ की पढ़ाई करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था, उसके लिए भी उन्होंने बुक्स औरों से उधार ली। तो गाइज, आप सोच ही सकते हो कितनी हार्ड लाइफ रही होगी उनकी। तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो और दोबारा से फिर पॉलिटिक्स में आते, एक और बार इलेक्शन लड़ते, और इस बार वो विधायक का जो चुनाव होता है वो जीत जाते काफ़ी अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद वो काफ़ी अच्छे अच्छे काम करते, और उसके बाद वो ट्राई करते कि थोड़ा और ऊपर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फिर वो खड़े होते और जो जीत जाते और वो 16th प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के। तो गाइस, आप सोचो कितना मतलब हार्ड लाइफ, यहाँ से लेके वो यहाँ तक गए, कितना हार्ड रहा होगा ना उनके लिए, कितनी उन्होंने मेहनत करी होगी, हार्ड वर्क करा होगा। तो गाइज, काफ़ी मोटिवेट करने वाली स्टोरी है इनकी। और ना इसके बाद उन्होंने एक लड़की से शादी कर ली, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात रही, उन्होंने अपने बलबूते पे शादी भी करी और 16th प्रेसिडेंट भी बने। सोचो, काफ़ी मोटिवेशन स्टोरी है ना, मोटिवेट भी करेगी आपको काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको मोटिवेट करना तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो गाइज, इसके बाद होता कुछ ऐसा कि वो 16th प्रेसिडेंट बन जाते हैं और वो शादी भी कर लेते हैं, उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा होता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो गाइज, एक दिन क्या होता है कि वो किसी थिएटर में, सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं अपनी वाइफ के साथ। तो वो डेट होती है मेरे को याद नहीं, मैं मेंशन कर दूंगा नीचे, ठीक है। उसके बाद वो 14 अप्रैल 1865 को वो मूवी देखने जाते हैं, और उनके कोई अपोजिट साइड में इलेक्शन में खड़ा होता है, उस आदमी ने उनके गोली मरवा दी, उनकी वाइफ को भी और अब्राहम लिंकन को भी। सोचो गाइस, कितना मतलब कितनी सीरियस मूवमेंट होगी ना, कितना बुरा लगा होगा अमेरिका के लोगों को, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम करे, और वो अंत में आके एंड में उनकी ऐसे मौत होती है, ऐसे कोई उनको गोली मार देता है ना। तो गाइस, देख लो कितनी मोटिवेशन स्टोरी है। तो
अब आपको करना क्या है कि अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो ये तो गाइज मेरी फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट ट्रायल था मेरा, और कमेंट में जरूर बताना कैसा था।